मेवात खनन माफिया को देखते हुए हरियाणा सरकार ने ओवरलोड वाहनों पर कसा शिकंजा। हरियाणा सरकार ने परिवहन विभाग को दिए सख्त आदेश, उनके चालान करने के लिए बढ़ाई टीम की गतिविधियां। मेवात में हुए डीएसपी साहब के हत्याकांड के बाद से हरियाणा सरकार ने ओवरलोड वाहनों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। आज उसी कड़ी में रेवाड़ी जिले में गत रात्रि सीएम फ्लाइंग, मुख्यमंत्री उड़न दस्ता और सीएम फ्लाइंग के इंस्पेक्टर सुबे सिंह की अगुवाई में रात को रेवाड़ी से जयपुर वाले रोड पर संगवाड़ी भुडला के समीप नेशनल हाईवे 48 पर ओवरलोड वाहनों की जांच की गई व उनके चलान किए गए। उसी कड़ी में 4 ओवरलोड वाहनों का 60,000 का चलान किया गया। इसके अलावा 7 ओवरलोड वाहनों को कसोला चौक के समीप सरकारी बाड़े में खड़ा किया गया है। इस संयुक्त टीम की कार्रवाई में मुख्यमंत्री उड़न दस्ता के साथ साथ परिवहन विभाग के एमवीओ अधिकारी भी शामिल रहे। वह उड़न दस्ता के साथ साथ जिला पुलिस की कार्रवाई भी साथ रही। कल शाम को सीएम फ्लाइंग रेवाड़ी की टीम और आरटीए जो सेक्रेटरी आरटीए रेवाड़ी की टीम ने नेशनल हाईवे के ऊपर हैवी जो ओवरलोडेड व्हीकल्स हैं उनको चेकिंग किया था, जिसमें 11 व्हीकल्स चेक किए गए और 11 में से जो टोटल चलान हुआ है वो लगभग 8,27,000 रुपये का जुर्माना उनके ऊपर ओवरलोडेड 11 व्हीकल्स पर किया गया है। और आगे भी इस तरह की चेकिंग निरंतर सीएम फ्लाइंग द्वारा की जाती रही है।